यहां सरकार से सैकड़ों मील दूर रखने वाले हैं। साथियों, यहां हरियाणा में कांग्रेस के भीतर जो कलह मची है, हरियाणा के लोग इसे भी देख रहे हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। वो देख रहा है कि पैस कैसे भाजपा सबको अवसर दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी बड़ी विनम्रता के साथ सबको साथ लेकर चल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने 60 साल 70 साल तक देश पर राज किया, इतना मौका मिलने पर भी कांग्रेस ने देश के लोगों को तरसा कर रखा। सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, पक्के घर, एक बहुत बड़ी आबादी मूल सुविधाओं से वंचित थी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार का हाल यह था कि एक रुपया अगर दिल्ली से निकलता था तो गरीब के घर तक जाते जाते 15 पैसा हो जाता था। देश पूछ रहा है, ये वो कौन सा पंजा था जो एक रुपये को घिस घिस करके 15 पैसा बना देता था। गरीबों के हक को लूटने वाले गरीबी हटाने का नारा देते थे। कांग्रेस ने देश के लिए जरूरी हर विषय को उलझाए रखा, वो उलझाने में एक्सपर्ट रहे हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया। उसने हमारी बहनों को संसद और विधानसभा में आरक्षण से वंचित रखा। उसने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की समस्या में उलझाए रखा। यानी कांग्रेस ने देश की, देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने बेटे बेटी, अपना परिवार, उसको स्थापित करने में ही पूरी की पूरी शक्ति लगा दी।